Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your EduKO, that's International JK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज आपको मालूम है IGKU के examination की date जो है हमारी आ चुकी है और हम पढ़ाई उसके लिए कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं वो हम sample paper discuss करने वाले हैं. ये questions हमें SOFO के SOF जो है हमारा जो Science Olympiad Foundation है उसकी site पे आपको जो specific questions मिलते हैं ये उनमें से हैं. हम 10 questions के कर रहे हैं, हम sample papers करेंगे. ये sample paper 1 है, इसमें आपको एक idea मिल जाएगा कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं. Already हम इतना ज़्यादा detail में पढ़ चुके हैं कि आपको difficult बिल्कुल नहीं होगा. हम current affairs, GK, जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, achiever section, life skill, हम already सब कुछ cover कर चुके हैं. तो आप लोग को students परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दिस विल जस्ट गिव यू अ नैक और द आइडिया ऑफ हाउ द एग्जाम पैटर्न वुड बी लाइक. ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है IGKU के एग्जाम का. अब जैसे आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं यहां पे पढ़ाई की, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पैकेज परचेज नहीं करना, 100% पढ़ाई करनी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करनी होती है. तो फटाफट अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपन आ जाते हैं पढ़ाई पे और अपन कर लेते हैं अपने क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर वन, विच इज हम पहला क्वेश्चन उस पर करते हैं सार्क के ऊपर. ठीक है, सार्क जो है रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन है ऑफ इंडिया ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ सार्क. अब सार्क का जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो आप इस बात से समझ गए हैं कि इसका नाम ही क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, इसमें अगर आप कंट्रीज़ के नाम लेते हैं तो इसमें कंट्रीज इंडिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है. तो कौन सा नाम एक ऐसा है जो मुझसे बच गया जो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, नाम जो है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको, मैंने जो बोले अभी आपसे, एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पर मैं आपको नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे. अफगानिस्तान है, ऑफकोर्स इंडिया है, नेपाल है, नेपाल मालदीव्स है. इसमें हम बात करते हैं तो इसमें भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, ये सब कुछ जो है वो इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो कौन सा एक शहर है जो बच जाता है, वो शहर जो बचता है वो है म्यांमार. ठीक है, नाउ यू गॉट द आंसर इज डी, म्यांमार. नाउ कई लोग उसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं. नाउ अबुजा इज द कैपिटल सिटी ऑफ, ये मैं आपको बता दूं, इसमें जब नाइजीरिया ने इसको, मैं आंसर तो मैंने आपको दे दिया, नाइजीरिया है. नाइजीरिया ने इज वन ऑफ दी सिट कंट्रीज जिसने अपने जो आप कह सकते हैं लार्जर इकोनॉमिक कैपिटल लागोस से जब इसको अबुजा शिफ्ट किया था तब इट वॉज अ वेरी बिग डील, राइट. इट इज वन ऑफ दी वेरी फ्यू कंट्रीज टू हैव डन दैट. तो इन्होंने बेसिकली लागोस से इसको अबुजा शिफ्ट किया था 1991 में, एंड अबुजा इज अ स्टेट कैपिटल और द कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया ऑफकोर्स. Now, Subramanyam Chandrasekharan won the Nobel Prize in 1983. What was his field of study? अब Subramanyam Chandrasekharan की जब हम बात करते हैं तो he is Indian, obviously Indian descent के हैं, पर इनकी जो पूरी पढ़ाई या इनकी जो working years की आप बात करते हैं तो United States of America में गए. ठीक है, and he is known as an astrophysicist. जब मैंने कहा astrophysicist तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि क्या बात करते हैं. ठीक है, astrophysicist में आपको बिग बैंग थ्योरी समझ में आती है ना, उसमें जो शेल्डन बना हुआ है, तो एस्ट्रोफिजिक्स आपके समझ में आ गई होगी, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इन्होंने 1983 में ऑब्वियसली नोबेल जीता है, और इन्होंने किसके साथ जीता था, इनके जो कंपेनियन थे या इनके जो आप कह सकते हैं जिनके साथ इन्होंने शेयर किया था, उनका नाम था विलियम फाउलर. ठीक है, विलियम फाउलर के साथ इन्होंने जीता है, और ये था एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मैसिव स्टार. द आंसर इज डी. ऑलराइट, Now let's come to the fourth one. Lord of the Flies, Nobel Prize winning English novel है William Golden के द्वारा. इसका Lord of the Flies किसके बारे में है? A girl falling through the rabbit hole into the fantasy world, a round trip around the world, or the school boys on the desert island. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बनी हुई है, जो लिखी हुई है, इसके ऊपर movie भी बनी है. जो novel है ये है basically एक raging war का time है. ठीक है, और एक plane रहता है जो कि British boys को क्या करता है, escape कराने वाला रहता है. ठीक है, और वहाँ पे वो डाउन हो जाता है, उस प्लेन को गिरा दिया जाता है वॉर के बीच में, और ये कहां जाके गिरता है, ट्रॉपिकल आइलैंड में. तो बेसिकली ये उसके ऊपर है कि एक डेजर्टेड आइलैंड में जो ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज है, ब्रिटिश स्कूल बॉयज, वो फंस जाते हैं, और उसके ऊपर ये पूरी की पूरी नॉवेल आधारित है. ठीक है, तो ये आंसर जो है इसका ए है, स्कूल बॉयज ऑन द डेजर्ट आइलैंड.
नाउ इफ यू बाइंग अ स्टॉक, अब ये समझना ठीक है, अगर किसी कंपनी का स्टॉक तुम खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप किस पे खरीद रहे हो वो भी कंपनी एट द प्रीमियम टू फेस वैल्यू, मतलब क्या, जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, इट इज डूइंग वेरी वेल, राइट। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी का स्टॉक खरीद रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, वो भी एट द प्रीमियम टू द फेस वैल्यू, इट मीन्स दैट द कंपनी इज डूइंग फेयरली वेल। सो द आंसर इज बी। नाउ द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र आर ऑल्सो नोन एज, इस पर एक और चीज़ समझ लेना ठीक है, नीलगिरी, सह्याद्री हिल्स या कार्डमम हिल्स अगर आप बात करें तो ये सब कुछ एक ही का नाम है, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम लिए जाते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्योंकि यहाँ पे डिनोटेड है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सह्याद्री हिल्स जो है वो महाराष्ट्र में बोला जाता है, किसको, वेस्टर्न घाट्स को। और वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था कि फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारा बहुत बड़ा हब माना जाता है, हमारी यूनेस्को की साइट है और 1600 किलोमीटर लंबा जो आपका कोस्टल प्लेन है, मतलब अगर इंडिया का नक्शा आप देखेंगे तो ऐसे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, ठीक है, और सह्याद्री माउंटेन्स या सह्याद्री हिल्स के नाम से इनको जाना जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सोनी प्रोडक्ट वॉज ओरिजिनली सोल्ड इन ब्रिटेन अंडर द नेम स्टोवे। स्टोवे की अगर मैं बात करूँ तो जब ये बात हो रही है तो मैं ईयर आपको एक बताती हूँ, बेसिकली ये पहला था जिसमें मेमोरी स्टिक के साथ आया था, ठीक है, द फर्स्ट वन विद द मेमोरी स्टिक, मेमोरी स्टिक स्टोरेज के साथ आया था। और इसमें जब हम बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा है जो कि बहुत फेमस है, अगर आजकल आप लोगों की जनरेशन का तो पता नहीं, हमारी जनरेशन में बड़ा फेमस था और ये बात हो रही है ईयर 1999 की, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं हो रही है देखा जाए, वैसे नहीं वैसे बहुत पुरानी हो गई यार, 99 मतलब 2009, हाँ 20-22 साल पुरानी, लेकिन खैर दिसंबर 2 को लॉन्च हुआ था ये, और ये था क्या, एमएस वॉकमैन, ठीक है, एमएस वॉकमैन। तो ये बात हो रही है किसकी, उसको कहा जाता था एमएस वॉकमैन या वॉकमैन। नाउ अब ये आपके लाइफ स्किल का क्वेश्चन है, व्हेन यू आर कैप्टन ऑफ अ टीम स्पोर्ट सच एज अ सॉकर इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप टाइम अगर आप टीम स्पोर्ट के अगर आप क्या हैं, कैप्टन हैं अपने उसके, कप्तान हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, टू टेल द टीम अबाउट योर क्रेडेंशियल, एस्टैब्लिश अ लीडरशिप पोजीशन अर्ली ऑन, ऑफकोर्स नॉट, दिस इज वेरी रूड, यू वुड नेवर डू इट, राइट, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ टीम मेट सो दैट द टीम परफॉर्म कंसिस्टेंटली, टू मेक प्रोमिसज ऑफ रिवॉर्ड लेटर, ट्वीक टीम रूल्स टू एक्सप्लेन वाई द प्रोमिसज कैन नॉट बी कैप्ट, दिस इज वेरी एथिकली रॉन्ग, यू शो दैट यू रिस्पॉन्ड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टीम मेट एंड एक्सप्रेस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, दिस सीम्स टू बी राइट, राइट, इवन दिस इज ओके बट दिस इज मच बेटर, अगर आप तो दोनों में ऑप्शन में से चुनना हो, इफ आई वॉज अ कैप्टन ऑफ द टीम आई वुड गो विद द फोर्थ वन, राइट, आई वुड पर्सनली प्रेफर गोइंग विद द फोर्थ वन, सो दिस सीम्स टू बी अ राइट ऑप्शन। ये अचीवर्स सेक्शन की बात होती है या फिर लाइफ स्किल्स की, थोड़े से घूमे फिरे से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, समझने में दिक्कत होती है। नाउ बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड किल्स वेरियस बैक्टीरियास, हाउ दे गोइंग टू बी यूजफुल टू अस इन फ्यूचर, दे आर बीइंग ट्राइड एज एन एजेंट टू स्ट्रेंथन द ओजोन लेयर, ऑफकोर्स नॉट, दे आर बीइंग ट्राइड एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल, ऑफकोर्स नॉट, दे आर बीइंग ट्राइड ऑन ल्यूब्रिकेंट, व्हाई वुड दे बी ट्राइड ऑन द ल्यूब्रिकेंट, बेसिकली ये एंटीडोट का काम कर सकते हैं, दे आर बीइंग ट्राइड एज अ थेरेपी अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर वर्किंग एज एन एंटीडोट, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं ये वैक्सीनेशन या एंटीडोट में इनको यूज किया जा सकता है, दैट इज वाई इट इज द आंसर बैक्टीरियोफेज। अब ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हम ये बात कर लेते हैं, एक्स इज द रिसिपियंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम अभी फिलहाल बदल गया है, लेकिन अभी हम ये बात कर लेते हैं, अर्जुन अवार्ड 1990 में उनको मिला, पद्मश्री अवार्ड भी उनको मिला, वाई इज यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑफ ऑल टाइम एंड वन विमेंस डबल टाइटल एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, टुगेदर दे वन द 2015 विंबलडन मिक्स डबल टाइटल, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक जो नाम आता है वो तो समझ में आ जाता है कि लिएंडर पेस होगा, ठीक है, एक नाम जो है वो लिएंडर पेस का आ गया, और दूसरा जो है वाई को जब आपको पहचानना है तो वाई आप समझ लीजिए कि यंगेस्ट, क्योंकि लिएंडर पेस हमें क्यों समझ में आया, क्योंकि इंडिया के इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले है ना। अब अपन वाई की बात कर लें तो यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, और विमेंस डबल में अगर आप बात करते हैं तो उनका एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, ये जो है ये आपको मालूम होना चाहिए मार्टिना हिंगिस के नाम पे है ये रिकॉर्ड, ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर का रिकॉर्ड जो है मार्टिना हिंगिस के नाम पे है, तो द आंसर इज ए लिएंडर पेस एंड मार्टिना हिंगिस।
Okay, with this we have come to an end of the sample chapter of the sample paper. I'm sure sample paper 1 आपको समझ में आए होंगे. इसी प्रकार के questions आएंगे, इसी तरह के होंगे. हम और भी sample paper करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. समझ में आ गया? इट इज जस्ट कि हम ऑलरेडी MCQs वगैरह इतना कर रहे हैं तो आपको कोई टफ नहीं होगा, ठीक है. हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न आएगा, वो चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है. इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है. वी आर थ्रू विद आवर स्टडीज सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सेल थ्रू, ठीक है. बाकी आप हमसे रहना चाहते हैं कनेक्टेड तो आप रह सकते हैं. हमारे फेसबुक पे हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप हमारे इंस्टा पे हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं. और आपको कोई कूपन कोड या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है हमसे कनेक्टेड रहने के लिए. यह 100% फ्री चैनल है और वैसा ही रहने वाला है, ठीक है. यूट्यूब पे जैसा कि आपको मालूम है हमारा चैनल है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, अगेन मैं बोल रही हूँ ये सैम्पल पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं SOF में, हमें ये मिले हैं. मतलब क्या, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं. इस वजह से हमने वहाँ से भी काफ़ी कुछ जो हमने पढ़ाई की है उसी हिसाब से हमने ये पेपर सेट किया था, बनाया था. ये पेपर आपको जैसे आप करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया और नैक देने के लिए है. ऑफकोर्स नॉट टू थिंक यही क्वेश्चन आने वाला है, ये कोई भी आपको इसकी गारंटी वारंटी नहीं दे सकता, बट आई एम वेरी श्योर दैट यू आर थ्रू विथ योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.